हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस क्लासेस 1 2 3 में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आरएसी ट्रेड के थर्मल इंसुलेशन के वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो एएलपी सीबीटी 2 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों हमारे पास समय कम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कि जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसके क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएँ। तो दोस्तों हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग कम से कम चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन हो जाए और वहाँ से आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, वस्तुओं के बीच गर्मी हस्तांतरण कम करने को थर्मल इंसुलेशन कहते हैं। तो दोस्तों थर्मल इंसुलेशन वस्तुओं के बीच गर्मी हस्तांतरण को कम करने के को क्या कहते हैं, थर्मल इंसुलेशन कहते हैं। किसी पदार्थ की इंसुलेटिंग क्षमता इसकी थर्मल चालकता से मापी जाती है। अगर किसी पदार्थ की इंसुलेटिंग क्षमता है तो उसकी थर्मल चालकता से क्या करते हैं, मापते हैं उसे। अगला इंसुलेटिंग सीनेट, इंसुलेटिंग सीमेंट विभिन्न इंसुलेटिंग फाइबर और बाइंडर का बना होता है। तो दोस्तों जो इंसुलेटिंग सीमेंट होता है, सीमेंट सीनेट नहीं है, यहाँ पे सीमेंट है दोस्तों। तो सीमेंट जो होता है वह इंसुलेटिंग फाइबर और बाइंडर का मिश्रण होता है। अगला देखते हैं, कार्क वुड फाइबर, ग्लास वूल, नालीदार कागज आदि इंसुलेटिंग पदार्थ हैं जो घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों कार्क जो है, वुड फाइबर, ग्लास वूल, नालीदार कागज आदि इंसुलेटिंग पदार्थ हैं जो घरेलू रेफ्रिजरेटर में क्या करी हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। कार्क का घनत्व यानी डेंसिटी कितनी होती है दोस्तों, लगभग 120 केजी प्रति मीटर क्यूब होती है। अगला, कार्क सबसे पुराने इंसुलेटिंग पदार्थ में से एक है। तो जो कार्क है वो सबसे पुराने इंसुलेटिंग जो पदार्थ है उसमें से बहुत सबसे पुराना है, तो पुराना क्या है, कार्क है। कार्क का औसत यांत्रिक प्रतिरोध क्या है दोस्तों, कार्क का औसत यांत्रिक प्रतिरोध यानी मैकेनिकल रेसिस्टेंट 2.2 केजी प्रति मीटर स्क्वायर है। तो कार्क का प्रतिरोध औसत यांत्रिक प्रतिरोध 2.2 केजी प्रति मीटर स्क्वायर है। इंसुलेटिंग पदार्थ ज्वलनशील और विस्फोटक नहीं होना चाहिए। जो इंसुलेटिंग पदार्थ होना चाहिए वह विस्फोटक नहीं होना चाहिए। कम थर्मल चालकता का अर्थ उच्च इंसुलेटिंग क्षमता है। तो दोस्तों जो कम थर्मल चालकता का अर्थ जो होता है वह उच्च इंसुलेटिंग क्षमता है। क्या है, उच्च इंसुलेटिंग क्षमता से है। अच्छे इंसुलेटिंग पदार्थ के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। तो अच्छे इंसुलेटिंग पदार्थ के मुख्य गुण क्या क्या हैं दोस्तों, आग के लिए प्रतिरोध, नमी का कम अवशोषण, वजन में हल्का, अच्छी कंगोरता। तो दोस्तों अच्छे इंसुलेटिंग पदार्थ के ये सब सभी गुण हैं। अगला देखते हैं, इंसुलेटिंग पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह आग का उच्च प्रतिरोध करता है। तो इंसुलेटिंग पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह आग का उच्च प्रतिरोध करता है। तो दोस्तों जो फाइबर ग्लास है, कौन सा फाइबर ग्लास, यह इंसुलेटिंग पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह आग का उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेसिस्टेंट करता है। जिन पदार्थों की ऊष्मा चालकता बहुत कम होती है उसे ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है। जिन पदार्थों की ऊष्मा चालकता बहुत कम होती है उसे ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है यानी थर्मल इंसुलेटर कहा जाता है। अगला, ऊष्मा चालकता के व्युत्क्रम को ऊष्मा प्रतिरोधता
कहते हैं? ऊष्मा चालकता के व्युत्क्रम को ऊष्मा प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा प्रतिरोधकता कहते हैं। थर्मल इंसुलेशन, इंसुलेशन क्षेत्र, इंसुलेशन का एक क्षेत्र प्रदान करता है जिसे थर्मल चालन कम हो जाता है। थर्मल इंसुलेशन, इंसुलेशन का एक क्षेत्र प्रदान करता है जिसमें थर्मल चालन कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगला, किसी सामग्री की इंसुलेट क्षमता को थर्मल चालकता के विपरीत रूप में मापा जाता है। किसी सामग्री की इंसुलेट क्षमता को थर्मल चालकता के विपरीत में मापा जाता है। कम थर्मल चालकता उच्च इंसुलेट क्षमता के बराबर है। कम थर्मल चालकता जो है उच्च इंसुलेट क्षमता के क्या होती है? बराबर होती है, यानी इक्वल होती है। कार्क एक तापीय कुचालक है। कार्क एक तापीय कुचालक है क्योंकि इसके अणु छोटे आकार के होते हैं। तो दोस्तों कार्क जो है तापीय कुचालक है क्योंकि इसके जो अणु होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं। आर वैल्यू माप पदार्थ में ऊष्मा प्रवाह में बाधा को मापता है। जो आर वैल्यू होता है वह माप पदार्थ में ऊष्मा प्रवाह के बाधा को क्या करता है? मापता है। एक्सपेंशन लाइन इंसुलेटेड होनी चाहिए। एक्सपेंशन लाइन इंसुलेटेड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? इंसुलेटेड होनी चाहिए। कार्क एक अच्छा इंसुलेटर है क्योंकि यह सरंध्रपिंड, सरंध्रपिंड पोरसवाड़ी है। कार्क क्या है? एक अच्छा इंसुलेटर है। यह सरंध्रपिंड है इसीलिए। ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु चांदी है। तो ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु क्या है दोस्तों? चांदी है। अगला देखते हैं, ऊष्मा संचरण के लिए चालन, ऊष्मा संचरण के लिए चालन तथा संवहन माध्यम की आवश्यकता होती है। ऊष्मा संचरण के लिए चालन, चालन तथा संवहन माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं, विकिरण में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो विकिरण में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला देखते हैं दोस्तों, वायुमंडलीय संवहन विधि यानी कन्वेक्शन मेथड द्वारा गर्म होता है। वायुमंडलीय संवहन विधि जो होता है, वायुमंडल संवहन विधि द्वारा क्या होता है? गर्म होता है। तो दोस्तों जो वायुमंडल होता है वह संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। अगला देखते हैं, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण द्वारा पहुंचती है। यानी जो सूर्य की ऊष्मा होती है वो पृथ्वी तक किसके द्वारा पहुंचती है? तो विकिरण के द्वारा पहुंचती है, यानी रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी उसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।